हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आकाश ट्यूएम में। आज की इस वीडियो में बढ़िया गुड न्यूज लेके आ चुका हूँ। ईशान उदय स्कॉलरशिप की तरफ से सेशन 2021-22 2020-21 के भी काफी बच्चे हैं जिनका पेमेंट फाइल है वो फाइनली 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 बड़े टाइम बाद यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यहाँ पे जो पहले रिजेक्शन था पेमेंट फाइल जनरेट स्कीम ऑनर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या टू डिजिटल साइन द पेमेंट फाइल, ठीक है, अब ये आ चुका है। कल काफी अच्छा अपडेट आया था, कल संडे था, काफी अच्छा अपडेट आ गया था, मैं टेलीग्राम में आप सबको बता दिया था। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका पेमेंट कब तक आपको मिल जाएगा, पीएफएमएस पे किन किन बच्चों का 100% विद बैंक शो कर रहा है, काफी गुड न्यूज है। वीडियो कंप्लीट देखने में आपको पता लगेगा कब तक आपका पेमेंट आपको मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और दो गलती आपको नहीं करना है, वीडियो को बताऊंगा दो गलती क्या नहीं करना है जिससे आपको आगे पछताना ना पड़े, आपको पेमेंट डेफिनेटली आपके अकाउंट में मिल जाए, ठीक है। तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप की साइट पे आना है, ठीक है। जो भी आप बच्चे अपना स्टेटस चेक करने के लिए क्या करेंगे, फ्रेश एप्लीकेशन पे जाएंगे, अपने स्टेटस यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है, आसान से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हुआ क्या है कि आपका जो पेमेंट फाइल रिजेक्ट था, जिस मैंने आपको पहले बताया था कि सबका जो टोकन नंबर था वो एग्जैक्टली सेम था, लास्ट के 2 डिजिट सेम था, किसी के लास्ट डिजिट 3 डिजिट सेम था, ठीक है, मतलब जो डिजिट बाय डिजिट थे वो कुछ ना कुछ सेम थे, ठीक है। जिस कारण क्या किया गया है कि मिनिस्ट्री द्वारा नया टोकन नंबर जनरेट किया गया है, ठीक है, जो नया टोकन नंबर है वो जनरेट किया गया। आप अगर देखे होंगे टोकन नंबर, पहले क्या टोकन नंबर था अब क्या टोकन नंबर है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, और आपकी जो स्कॉलरशिप वो अब आपके डेफिनेटली आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। अब बात करता हूँ उन बच्चों का जिनका अभी भी हुआ नहीं है, ठीक है, पेमेंट फाइल रिजेक्शन से अभी भी उनका सॉल्व नहीं हुआ, वो क्या कर सकते हैं, वो भी थोड़ा और कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि देख लीजिए काम मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑटोमेटिक आपके काम को करेगी, बस आपके अकाउंट में कोई गलती केवाईसी वगैरह सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। आप देख लीजिए आपको पीएफएमएस की साइट पे आना है, पीएफएमएस की साइट पे जैसे आप आएंगे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो फ्रेंड्स आप पीएफएमएस की साइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको ट्रैक एनएससी पेमेंट पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे अपना एंटर एप्लीकेशन आईडी और वर्ड वेरिफिकेशन से आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं स्टेटस, यहाँ पर बैंक अकाउंट एंटर अकाउंट नंबर से भी कर सकते हैं। आपको दो गलती क्या नहीं करना मैं बताऊंगा, देख लीजिए अभी हो सकता है आपका जो आप एप्लीकेशन आईडी लिखेंगे और वर्ड वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका दिखाए नॉट एंटाइटेड फॉर द बेनिफिशियरी, या मान चलो ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन काफी बच्चों का क्या हुआ है कि आज सुबह मॉर्निंग टिल अपडेट हुआ है कि अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक आ चुका है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक आ चुका है, 54,000 रुपए की स्कॉलरशिप इनको रिसीव होने वाली है। अब जिनका अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक आ चुका है उनके हाईली पॉसिबिलिटी है कि आज शाम तक उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करने की पूरी पूरी आशंका है, 24 से 48 आवर्स के बीच आपका पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। आज जैसे भी वर्किंग डेज है, मंडे है, तो डेफिनेटली चांस ये लगता है कि आपके शाम तक कहीं ना कहीं जिनका बच्चों का अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक है उनका पैसा आ जाएगा, जिनका पेमेंट नॉट इंटेंडेड फॉर बेनिफिशियरी अभी शो कर रहा है टोकन नंबर न्यूली जनरेट होने के बाद भी, तो घबराए नहीं, 1 या 2 दिन में या आज शाम तक आपका जो अपडेट हो सकता है पीएफएमएस पे आपकी जो स्टेटस है आ सकता है, ठीक है। अब दो गलती क्या नहीं करना है, दो गलती है कि आप अपने अकाउंट को मॉनिटर करते रहिए, मॉनिटर का मतलब है कि आपके अकाउंट को देखते रहिए क्या स्टेटस एक्टिव है या नहीं है, ठीक है, स्टेटस एक्टिव नहीं है अगर आपका अकाउंट बंद रह जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन ढाल देगा पीएफएमएस में, योर अकाउंट हैज क्लोज्ड, ठीक है, ये रिजेक्शन रिमार्क ढाल दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें से ये देखे अगर आपका अकाउंट क्लोज है तो कुछ ट्रांजेक्शन डलवा के खुलवाइए, केवाईसी कंप्लीट नहीं है, कुछ नहीं है तो प्लीज उसको कंप्लीट करवाइए। आधार कार्ड लिंक है या नहीं है उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 2021-22 का जो पैसा मिला था काफी बच्चों उनका जो आधार कार्ड लिंक नहीं था लेकिन फिर भी उनको पैसा मिला था, तो आपको टेंशन की बात नहीं है। अगर आपसे हो सकता है आधार कार्ड लिंक करवा सकते तो करवाइए, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है, आपके अकाउंट में डेफिनेटली आपके पैसा आ जाएगा, बस केवाईसी और अकाउंट स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इतना काम कर लीजिए, बाकी आपका डेफिनेटली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिन बच्चों ने रिन्यूअल नहीं किया और रिन्यूअल कर लीजिए, आज लास्ट डेट 31 अक्टूबर, आज शाम को मैं लाइव आऊंगा, अगर डेट एक्सटेंड होता है, नहीं भी होता है फिर मैं लाइव आऊंगा इधर आपके सामने, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसके में आप मेरे से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।